साइज में है, परसेंटेजेस फाइंड करना डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की वो फाइंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फार्मूलाज पढ़े थे एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करने का। चलते हैं एग्जांपल टू की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, ग्राम मैस का यूनिट है, तो ये मैस हो गया कंपाउंड का। मैस ऑफ कंपाउंड इक्वल्स 8.657 ग्राम। कंपाउंड वर्ड डिकम्पोज, वो टूट गया कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट, जिन एलिमेंट से बना था कंपाउंड उन एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो गया एंड ये, और उसने पैदा किए बनाए 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। ग्राम ऑफ कार्बन, ग्राम मैस का यूनिट है, तो ये मैस आ गया कार्बन का 217 ग्राम। 0.962 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मैस हो गया हाइड्रोजन का, मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.962 ग्राम। 2.478 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये मैस हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का, मैस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स 2.478 ग्राम्स। अब जो चीज फाइंड करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, हमने कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन के उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज कितना है कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड ये हमने फाइंड करनी है। बराबर क्या हो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड से मुराद ये कि उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने, यानी कार्बन कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड मींस परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ दूसरे नंबर पे कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर, ये कंपाउंड की परसेंटेज से मुराद उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज। फार्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो उन फार्मूलाज को ही हम अप्लाई करके परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। अच्छा देखिए कि हमारे पास कंपाउंड का मैस है और उसमें जो है एलिमेंट्स का मैस है, तो कंपाउंड के मैस और एलिमेंट के मैस से परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला जो लास्ट लेक्चर में दिया गया था वो कुछ ऐसे था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट दैट कार्बन equals mass of element, mass of carbon over mass of compound multiplied by 100। वैल्यू पुट करेंगे, मैस ऑफ कार्बन 5.217 ग्राम, मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम
मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो अब इस चीज को जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। मैं मोबाइल की मदद से हल करूंगा, मेरे पास वो इस वक्त अवेलेबल है। तो जी ये 5.217 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हमारे पास आता है जी 521.7 ओवर 8.657। ये आंसर निकला हमारे पास 60.26% 60.26% यानी सिंपल सा है। एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ गई। इसी तरह से परसेंटेज फाइंड करेंगे हाइड्रोजन की, कार्बन की परसेंटेज निकाल हमने, अब हाइड्रोजन की परसेंटेज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वही फार्मूला, मास ऑफ कार्बन की जगह क्या आ जाएगा हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन हम देखते हैं वो है 0.962 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.962 को, 0.962 मल्टीप्लाइड बाय 100 आंसर आता है हमारे पास 96.2 ओवर, अब उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 8.657 पे, 8.657 आंसर है जी 11.11%। तो ये परसेंटेज आ गई हाइड्रोजन की। लास्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं हम, वो भी इसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। किस फार्मूले से? कि मास ऑफ एलिमेंट सॉरी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। देखते हैं जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट वो क्या है कैपिटल ओ, इक्वल्स मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है पड़ा 2.478 ग्राम, 2.478 ग्राम ओवर मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं इसको जो के साथ 2.478 को 100 के साथ, तो ये 247.8। अब उसको डिवाइड कर रहे हैं 8.657 के साथ, आंसर इक्वल्स 28.62%। दैट्स ऑल, तो ये सॉल्व हो गया हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2। ठीक है, उसमें हमें कंपाउंड का मास दिया गया था, कंपाउंड के मास के साथ ही कार्बन का मास दिया गया था, हाइड्रोजन का मास दिया गया था, ऑक्सीजन का। तो हमने कंपाउंड परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी थी। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद के उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज, एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है कि मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कार्बन की परसेंटेज, ये उसका मास पुट किया,
ठीक है, और ये कंपाउंड का मास फुट क्या मल्टीप्लाई कर 100 से पी कार्बन के परसेंटेज लेंगे। हाइड्रोजन के परसेंटेज के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हाइड्रोजन के परसेंटेज। ऑक्सीजन के परसेंटेज के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास तीनों एलिमेंट्स जो है उनकी परसेंटेजेस आ गई